सलमान खान और कैटरीना कैफ की भूमिका निभाने वाले टाइगर जिंदा है 2017 की सबसे बड़ी रिलीज है और यह भाईजान सलमान खान की बड़ी फिल्म है। अभिनेता के प्रशंसकों धैर्य से इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। फिल्म थिएटर से कुछ ही दिन दूर है और जनता के उत्साह बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने अभी तक एक और पोस्टर जारी किया है। नए पोस्टर में सलमान और कैटरीना अपने एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए तैयार है। ये दोनों ऑन स्क्रीन पर एक दूसरे पर बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। फिल्म के गीतों को भी अच्छी प्रकृतियां मिल रही है। दिल दिया गल्ला वर्ष की रोमांटिक गान गीत चैटबस्टर बन गया है, जबकि स्वैग से करेंगे स्वागत डांस फ्लोर में धूम मचा रहा है। 5 अलग अलग देशों के खूबसूरत इलाकों में शूटिंग करके टाइगर जिंदा है दर्शकों के लिए एक लाजवाब नजराना होने जा रहा है। यह फिल्म इराक में IFIL द्वारा 2014 में भारतीय नर्सों की बंधक बनाने की स्थिति पर आधारित है। सलमान के रूप में टाइगर और कैटरीना को जोया का रोल कर रही है और दोनों सबकी जान को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सलमान अभिनीत भारत में CBSE द्वारा छूट गई है, लेकिन फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। डॉन में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की CBFC का मानना है कि यह फिल्म उनके देश का खराब चित्रण कर रही है। यह वही है जो 2012 में हुआ था, जब कबीर खान द्वारा निर्देशित एक था टाइगर पाकिस्तान में भी प्रतिबंध हो गया था। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में सलमान ने कहा था कि फिल्म का भाग्य केवल उन दर्शकों द्वारा तय किया जाएगा जो इसे देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि बॉक्स ऑफिस नंबर उन्हें परेशान नहीं करते। हम देखते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद पहले सप्ताह में कैसा प्रदर्शन करती है।